नमस्कार मी हर्षाली हितगूज या आपल्या खास कार्यक्रमात आपल्या सर्वांचं स्वागत या कार्यक्रमात आपण विविध आजार त्यावरील उपचार याबद्दल चर्चा करत असतो आणि यावर तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन देखील घेत असतो आणि आजचा आपला जो विषय आहे तो म्हणजे प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीनंतर महिलांनी नेमकी कोणती काळजी घ्यावी याच विषयावर आज आपण मार्गदर्शन घेणार आहोत आणि याविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहे डॉक्टर बिंदू के एस डॉक्टर स्वागत आहे तुमचं तर गर्भधारणेच्या सकारात्मक अनुभवामध्ये प्रसुतीपूर्व प्रसुतीनंतर म्हणजे एकंदरीतच आई आणि बाळांची काळजी याचा समावेश होतो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन डब्ल्यू एच ओ नुसार जागतिक स्तरावर केवळ चौसष्ट टक्के स्त्रिया त्यांच्या संपूर्ण गर्भधारणेदरम्यान चार किंवा अधिक वेळा प्रसुतीपूर्व म्हणजे प्रेग्नेन्सीच्या आधी जी काळजी घेणं गरजेचं आहे त्या घेतात राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण दोन हजार एकवीसनुसार एकोणपन्नास पूर्णांक चार टक्के भारतीय महिलांमध्ये उच्च जोखीम रिस्क फॅक्टर असलेली गर्भधारणा होते आणि अलीकडील वैज्ञानिक अभ्यासकांनी असे हे निष्कर्ष काढले आहेत की भारतातील पंच्याहत्तर टक्के जन्मजात विकृती आणि मृत्यूसाठी उच्च जोखीम असलेली गर्भधारणा हीच जबाबदार आहे दोन हजार बावीसमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार सुमारे पंचवीस पूर्णांक दोन टक्के आणि सत्तावीस पूर्णांक एक टक्के नवजात बालकांना प्रसूतीनंतर टॅग्नन्सीनंतर चोवीस आणि अठ्ठेचाळीस तासांच्या आत प्रसूतीनंतरची काळजी मिळते प्रसूतीनंतर चोवीस आणि अठ्ठेचाळीस तासांच्या आत प्रसूतीनंतरची काळजी घेणाऱ्या महिलांचं प्रमाण अनुक्रमे त्रेसष्ट पूर्णांक चार टक्के आणि पासष्ट पूर्णांक दोन टक्के आहे याच आकड्यांचा विचार करता स्त्रियांनी बाळंतणापूर्वी आणि त्यानंतर कशी काळजी घ्यावी हे याविषयी बोलणं खूप महत्वाचं आहे आणि याच विषयी आज आपण मार्गदर्शन घेणार आहोत चला तर विषयाला सुरुवात करूया तर डॉक्टर प्रसूतीपूर्व काळजी म्हणजे काय आणि गर्भधारणेमध्ये त्याचा तै, रोल काय असतो थो याविषयी थोडं सविस्तरपणे सांगाल हे बहुत इम्पॉर्टंट क्वेश्चन पूछा आपने अर्षाली ये प्रेगनेंसी केयर मुझे जो प्रेगनेंसी गर्भावस्था में कैसा देखभाल करना चाहिए वो एक जैसा प्रेगनेंसी में फोर्टी वीक्स रहते हैं फर्स्ट इसको तीन ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ फ्रॉम फर्स्ट वीक टू थर्टीन वीक्स तक फिर फोर्टीन टू ट्वेंटी सेवन वीक्स तक सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते और ट्वेंटी सेवन टू फोर्टी वीक्स को थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते तो ये वेरी इंपॉर्टेंट ये तीनों ट्राइमेस्टर में अच्छे से देखभाल के बाद ही थोड़ा मतलब ये जो प्रेगनेंसी का पूरा जर्नी कंप्लीट हो जाता है तो इसके लिए आप डॉक्टर के पास बराबर ट्रीटमेंट करेंगे तो हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी हो जाता है तो इसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्री प्रेगनेंसी केयर यानी प्री नेटल केयर बहुत ज़रूरी है तर डॉक्टर प्रसुतीपूर्व आपण कोणती कोणती काळजी घ्यायला हवी आणि कोणते घटक महत्वाचे आहेत याविषयी थोडं सविस्तरमध्ये आपल्या प्रेक्षकांना सांगाल ओके okay. जे के नॉर्मली से ही लोग प्री प्रेग्नन्सी केयर दैट इज़ प्री कंसेप्शनल केयर के लिए भी देखभाल के लिए भी आता है जैसा प्रेगनेंसी अब उन लोग प्रेगनेंसी आजकल तो चॉइस से हो जाता है नॉट बाय चांस जैसे ही प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए कपल आते हैं डॉक्टर के पास आते हैं वो आ, क्या क्या डॉक्टर क्या क्या चेकअप करते हैं फर्स्ट उन उनको एसेस करते हैं उनका हिस्ट्री पूछते हैं मतलब जैसा उनका मैंसरल हिस्ट्री साइकल्स प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसमें उनको प्रीवियस प्रेगनेंसी लॉसेस या फिर एबॉर्शनस वगैरह हुए कि नहीं कुछ बैड ऑब्सिटर हिस्ट्री या फिर कुछ प्रेगनेंसी uh, लॉसेस या डेथ बेबीज का हुआ है कि नहीं वो पूछना चाहिए फिर उनका डिटेल चेकअप मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं मेडिकल हिस्ट्री मतलब उनको हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की बीमारी डायबिटीज़ या फिर कोई भी मेडिकल इलनेस है तो वो पहला उसको ठीक करने के बाद ही प्रेगनेंसी करेंगे तो ही तो स्वस्थ महिला और स्वस्थ बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ होता है तो वो एक आ, मेडिकल हिस्ट्री भी वेरी इम्पॉर्टेंट है उसके लिए और आ, फैमिली हिस्ट्री फैमिली हिस्ट्री में कुछ बीमारियां है कि नहीं जो जेनेटिकली ट्रांसमिट हो है बच्चे बच्चों में उसका आइडिया एक होएगा तो अच्छा रहता है तो दैट इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी uh, देन उसके बाद पूरा चेकअप महिला का होता है जैसा हाइट देखते हैं वेट देखते हैं बीएमआई देखते हैं देन uh, उनका ब्लड प्रेशर लेते हैं तो उसके बाद कुछ टेस्ट भी प्री प्रेगनेंसी टेस्ट भी uh, दे, uh, दे, uh, दे, uh, मतलब लिखे दिया जाता है ज, uh, जो टेस्ट वो महिला करके फिर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आते हैं देन फिर डॉक्टर से ओके है देन देन प्रेगनेंसी के लिए वो गो हेड हो जाता है उसके बाद एक फॉलिक एसिड करके एक टैबलेट रहता है जो पहले से प्रेगनेंसी के पहले से खाएंगे तो बच्चे में प्रॉब्लम होने का चांसेस जैसा न्यूरल uh, डेवलपमेंट में मदद करता है तो फिर पूरा नाइन मंथ्स अच्छी तरह जाता है प्रेगनेंसी में एबनॉर्मेलिटीज़ या uh, कुछ प्रॉब्लम्स होने का चांसेस भी कम रहता है फॉलिक एसिड थ्री मंथ्स पहले से प्रेगनेंसी के पहले से थ्री मंथ्स पहले से खाएंगे तो वो uh, तकलीफें भी कम हो जाती है प्रेगनेंसी पूरा स्मूथ जर्नी uh, हो जाता है देन ऑल्सो डाइट एंड एक्सरसाइज मतलब डाइट और खाने पीने का और व्यायाम लोग प्रेग्नेंट होने के बाद ही उसके बारे में सोचते हैं आइडियली ये सब प्रेग्नेंट होने के पहले से ही उनको एक आइडिया डाइट और एक्सरसाइज mm का -hmm. mm -hmm. uh, हो जाएगा तो अच्छा रहता है डाइट मतलब अच्छे सा ऑल जंक फूड फैटी फ्राइड फूड सब एवॉइड करना चाहिए सब में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हाई प्रोटीन डाइट जैसा मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स एग्स फिर स्प्राउट्स uh, और पालेबाजी सब मतलब अच्छी तरह उनको खाने पीने में आ, ये होना चाहिए फिर स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह हैबिट है वो सब छोड़ के ये प्रेगनेंसी स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज स्मोकिंग oh, और ड्रिंकिंग से एबनॉर्मेलिटीज़ बेबी में हो हो सकता है तो ये सब विषय पहले से ही आ, अगर जानकारी हो प्रेगनेंसी स्टार्ट होने के पहले तो बहुत आ, अच्छे रहते हैं देन एक्सरसाइज एक्सरसाइज थर्टी मिनट्स एवरी डे मतलब hmm. चार चार पाँच दिन एक हफ्ते में एक सप्ताह में चार पाँच दिन एक्सरसाइज करेंगे वो भी uh, सही रहता है देन एक और विषय है कि वैक्सीनेशन कुछ न, मतलब इम्यूनाइजेशन अगर वैक्सीन्स वगैरह प्रेगनेंसी के पहले भी कोई कोई वैक्सीन्स रहता है जो महिला ने अगर नहीं लिया है तो वो भी कंप्लीट uh, कर सकते हैं शेड्यूल ये सब आइडिया होने के बाद देन आ, ये लेडी को और अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कौन सा दिन में ट्राई करेंगे फर्टाइल डेज बोलते हैं हम लोग एक माहवरी के अंदर ट्वेंटी एट टू थर्टी डेज़ का माहवारी रहता है तो जिनको परफेक्ट साइकिल रहता है यूजली वो ट फोर्टीन फिफ्टीन डे ओवलेशन या अंडा तैयार होता है तो वो टाइम पे मैक्सिमम सेक्सुअल कांटेक्ट रखेंगे तो बच्चा रुकने का चांसेस रहता है तो ये सब आइडिया अगर प्रेगनेंसी के पहले डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये सब विषय में बात करते एंड फिर एक गो हेड मिल जाता है तो उसके पहले फॉलिक एसिड स्टार्ट करती है महिला एंड थ्री मंथ्स खाते हैं देन आ, आ, प्रेगनेंसी का उसको जर्नी भी स्मूथ रहेगा और आगे का भी बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और महिला भी पूरा प्रेगनेंसी में तकलीफ नहीं रहेगा उनको अगदीच आणि खूप महत्त्वाचे मुद्दे तुम्ही मांडले की खरोखर प्रेग्नन्सीच्या आधी या सर्व गोष्टी फॉलो करणं खूप गरजेचं आहे योग्य डाएट असेल एक्सरसाइज असेल तर या गोष्टी करणं खरंच खूप महत्त्वाचं आहे आणि डॉक्टर उच्च जोखीम असलेली गर्भधारणा बरेच वेळा ऐकलेलं आहे तर हे काय असतं हाय रिस्कवाली आणि त्यामध्ये मग बेबीला आणि आईला काय कोणता त्रास होऊ शकतो याविषयी थोडं सविस्तरमध्ये सांगा नक्की हाई रिस्क प्रेगनेंसी एवरी प्रेगनेंसी स्मूथली नहीं जाता बहुत सारे प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं आता बट हाई रिस्क प्रेगनेंसी मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी रहते है जिसमें डेंजर uh, महिला या uh, बेबी को हो सकता है जैसे जच्चा बच्चे को अगर कुछ uh, खतरा आ सकता है उसको बोलते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी ये तीन प्रकार से हो जाते हैं एक तो मदर को अगर मदर मीन्स uh, जो प्रेग्नेंट uh, फीमेल को अगर कुछ बीमारियां रहता है जैसा उनको मतलब ऑल्सो एज ऑल्सो मैटर्स एज मतलब अगर अठारह साल की नीचे है या पैंतीस साल के ऊपर महिला प्रेगनेंसी अगर कैरी करते वो भी हाई रिस्क हो जाता है अच्छा ओके एंड ऑल्सो महिलाओं को अगर बीमारियां रहती है जैसा हार्ट डिसीज़ का प्रॉब्लम रहता है जो डायबिटीज़ uh, वाले महिला रहते हैं या फिर हाइपरटेंशन या बीपी का प्रॉब्लम्स या फिर उनको और कुछ बीमारियां रहती है तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाता है तो ये सब प्रेगनेंसी के पहले ही डॉक्टर को सलाह दे के ट्रीटमेंट uh, करके एकदम ऑप्टिमाइज बोलते हैं हम लोग ऑप्टिमाइज़ करके देन प्रेगनेंसी uh, का गो हैड मिल जाता है देन बच्चों में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है ये तो मदर का मैंने बताया तो बच्चों में क्या प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों में जैसा एबनॉर्मल uh, बच्चे रहते हैं तो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाता है जिनको इमीडिएटली डिलीवरी के बाद अगर सर्जरी वगैरह लगना मतलब होता है सर्जरी वगैरह लगता है तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाता है या बच्चे में वार्ड वगैरह वा का कम रहता है जैसा ग्रोथ प्रॉब्लम्स बच्चे में रहते हैं या फिर डिफेक्टिव बच्चे रहते हैं तो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होते हैं या ट्विन प्रेगनेंसी ट्विन प्रेगनेंसी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी रहता है या फिर बच्चे एबनॉर्मल पोजिशन का रहता है नॉर्मली सर से बच्चा डिलीवरी हो जाता है अगर उल्टा पोजीशन में है ट्रांसवर्स पोजीशन में ट्रांसवर्स लाइक दीज आर ऑल वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होता है और तीसरा है कि प्रेगनेंसी में ही कुछ कॉम्प्लिकेशनस आता है जैसा वार वगैरह खाली आता है जैसा लो लाइंग प्लासंडा बोलते हैं हम लोग या फिर प्लासेंडा वार पहले से डिलीवरी के पहले से ही वो ब्रेक हो जाता है ब्लीडिंग इंटरनल ब्लीडिंग हो जाता है या फिर ये सब प्रश्न में भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होता है तो इसका ट्रीटमेंट और मतलब ज़बरदस्त होना चाहिए कि नॉर्मल प्रेगनेंसी से भी ज़्यादा केयर और एक्सपर्टाइज होना चाहिए जो डॉक्टर्स जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल्स जो है उसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट हो जाता है देन टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस जो भी सोनोग्राफीज़ रहते हैं ब्लड टेस्ट नॉर्मल से भी ज़्यादा टेस्टिंग करना पड़ता है देन फिर फ्रीक्वेंट ग्रोथ स्कैंस बच्चे का वार्ड वगैरह कैसा ग्रोथ प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं एंड नाइन्थ मंथ के बाद उनको एक बर्थ प्लान कैसा डिलीवरी हो जाएगा वो सब uh, एकदम अच्छे से वेल एक्यूप्ड सेंटर में जिसमें सब सुविधा है मदर के लिए भी एमरजेंसी कुछ uh, लगा तो भी ट्रीटमेंट uh, होना चाहिए ब्लड बैंक वगैरह रेडी होना चाहिए या एन का सुविधा होना चाहिए ये सब जगह ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट हो सकता है ओके okay. आता जनरली मला असा प्रश्न विचारायचा आहे की जेव्हा एखाद्या घरामध्ये जेव्हा एखादी लेडी प्रेग्नेंट असेल तेव्हा त्या लेडीने पण आणि पूर्ण त्या फॅमिली मेंबर्सनी ने, नेमकी कशी काळजी घ्यावी जेव्हा कळेल त्यानंतरच्या प्रोसेसपासून शेवटपर्यंत कशा पद्धतीने काळजी घ्यावी आणि डॉक्टरांना कोणत्या कोणत्या स्टेजमध्ये कधी भेटावं याविषयी थोडं सविस्तरमध्ये आपल्या प्रेक्षकांना सांगा बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने हर्षाली एक प्रेग्नेंट फीमेल एक फॅमिलीमध्ये आहे तो सपोर्ट तो सबको होना चाहिए हस्बैंड पार्टनर को अच्छा सपोर्ट देना चाहिए पूरा फैमिली उसको अच्छे सा सपोर्ट देना चाहिए क्यों डाइट से स्टार्ट होता है क्योंकि शुरुआत के तीन महीने में तो महिला तो वॉमिटिंग उसका एक एकदम सिकनेस इतना हो जाता है कि उल्टी तो बहुत प्रकार का उल्टी होता है कभी कोई दिन अच्छा जाता है कोई दिन उल्टी के जाता है पूरा उल्टी से कुछ खा खा पी नहीं सकते उसमें इंपॉर्टेंट है कि उनको थोड़ा सपोर्ट और हिम्मत देना चाहिए घड़ी घड़ी थोड़ा सा हाइड्रेशन या पानी का वाटर uh, इनटेक बढ़ाना चाहिए जो उसको पसंद है वही फ़र्स्ट थ्री मंथ्स में हम लोग खाने को बोलते हैं ऐसे नहीं कि डाइट डाइट फोर्थ टू एथ मंथ से ही डाइट में हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस uh, देते हैं तो फर्स्ट थ्री मंथ्स में जो लिक्विड इनको अगर जूसेस पसंद है तो जूसेस लेने का जो भी पसंद है हम लोग खाने को बोलते हैं एवॉयड करने का फूड्स जैसा बाहर का खाना अवॉइड करने का जंक फूड अवॉइड करने का फैटी फ्राइड आइटम्स अवॉइड करना चाहिए सी फूड हम लोग बोलते हैं जो उसमें हाई मरकूरी कंटेंट या लेट कंटें रहता है जैसा आ, सी फूड वो भी अवॉइड करने को बोलते हैं बाकी सब वो खा सकती है तो फिर एक सपोर्ट प्रेगनेंसी में तो शुरुआत से ही महिला को होना चाहिए देन उसके बाद तो चेकअप्स तो डॉक्टर के पास ये एवरी मंथली हो जाता है फर्स्ट सेवेंथ मंथ तक एवरी मंथली चेकअप्स रहते हैं उसमें शुरुआत में एक बुकिंग टेस्ट करके बोलते हैं हम लोग उसमें हीमोग्लोबिन का चेकअप हो जाता है ब्लड ग्रुप का चेकअप देन एच हेपेटाइटिस वी एच ये सब वायरल डिसीज़स का चेकअप होता है अल्ट्रासाउंड में आ, बेबी का मतलब डेट भी डिलीवरी का डेट तक हम लोगों को मालूम पड़ता है तो शुरुआत का बुकिंग टेस्ट में ये सब इंक्लूड uh, रहता है शुगर की जाँच रहती है देन आफ्टर थर्ड मंथ के एंडिंग में एक इंपॉर्टेंट uh, स्कैन रहता है एनटी स्कैन बोलते हैं जिसमें बच्चे में खराबी होने का कितना रिस्क है जैसा क्रोमासोमल एबनॉमेलिटीज डाउंस बेबी वगैरह आपने सुना होगा डाउंस सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम मतलब मंद बुद्ध बच्चे मेंटली रिटार्डेड बच्चे रहते हैं जो क्रोमोसोमली एबनॉर्मल रहते हैं उनका जांच सोनोग्राफी में हम लोगों को पता चलता है तो सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट के दौरान हम लोगों को एक आइडिया मिलता है ये प्रेगनेंसी रिस्क में जा रहा है कि लो रिस्क में है ओके okay. तो लो रिस्क में है तो अगेन वो रूटीन केयर में जाती है अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी लेबल किया जाता है तो वो हाई रिस्क में चले जाते हैं देन थर्ड मंथ के बाद फिफ्थ मंथ में एक और सोनोग्राफी इंपॉर्टेंट है एटीन टू ट्वेंटी वीक्स में टिफा बोलते हैं या टारगेटेड एनोमली स्कैन जिसमें बेबी का पूरा स्ट्रक्चर्स जो भी डेवलप होता है हेड से टो जैसा ब्रेन हार्ट किडनी स्टमक एवरी स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हम लोग सोनोग्राफी थ्रू देखते दो हंड्रेड परसेंटेज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सोनोग्राफ़ी के दौरान पूरा बेबी में एबनॉमेलिटीज़ डिटेक्ट करने का फिर भी नाइन्टी फाइव टू नाइन्टी सिक्स परसेंटेज सोनोग्राफी दौरान हम लोग एबनॉमेलिटीज़ डिटेक्ट कर सकते हैं तो मदर को चॉइस है अगर लीतल एबनॉर्मेलिटीज़ है मतलब बच्चा आगे बढ़ के भी कुछ आ, ये आ, आगे बढ़ने नहीं वाला या फिर उसका मतलब कुछ क्योर नहीं है तो मदर को चॉइस भी रहता है कि उसको एबॉर्शन uh, करने का इन नाउलीगली ट्वेंटी फोर वीक्स तक गवर्नमेंट ने भी एबॉर्शन के लिए परमिशन uh, दिया है आफ्टर दैट एटीन टू ट्वेंटी वीक्स के बाद फिर ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट वीक्स में मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में लास्ट का थ्री मंथ्स में सोनोग्राफीज uh, एक दो रहते हैं जिसमें बेबी का वार्ड देखते हैं फ्लूइड वगैरह नॉर्मली कितना रहता है प्लासेंटे uh, में ब्लड फ्लो uh, सही तरह से हो सकता है ये सब अगर अच्छी तरह हो जाता है तो थर्टी सिक्स वीक्स मतलब नाइन्थ मंथ खत्म होते टाइम मदर को डिसाइड कर सकते हैं उसका बर्थ प्लान बोलते हैं मदर कैन डिसाइड हर बर्थ प्लान मतलब कि कौन सा हॉस्पिटल में डिलीवरी करना चाहिए हॉस्पिट uh, हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि क्या क्या कैरी -क्या -क्या करना चाहिए डिलीवरी के वक्त एंड ये मतलब किसको पार्टनर कौन शी कैन चूज हर बर्थ पार्टनर मतलब हस्बैंड या फिर आ, मदर कोई भी साथ में रह सकता है या कोई कोई आजकल दौला या फिर बाहर से भी कोई सपोर्टिंग स्टाफ मिल सकता है तो ये सब पहले से पूरा नाइन मंथ्स तक उनको एक आइडिया मिल जाता है देन एक्सरसाइज एक्सरसाइज तो जैसा मैंने बोला कोई भी एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में यूजली प्रेगनेंसी योग रहते हैं इवन वॉकिंग अच्छा सा एक्सरसाइज है प्रेगनेंसी योगा जैसे स्ट्रेचिंग रहता है ये कोई कोई प्रेगनेंसी में हम लोग अवॉइड करते हैं uh, वो तो डॉक्टर के सलाह के बिना तो कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए डॉक्टर अगर ओके okay बोलते हैं तो एक्सरसाइज uh, सब परमिटेड है प्रेगनेंसी में देन वैक्सीनेशंस रहते हैं प्रेगनेंसी में टेटनस का इंजेक्शन्स रहते हैं देन फ्लू का वैक्सीन देते हैं हम लोग या फिर डिफ्टीरिया ते, टेटेनस वूपिंग कफ उसका भी वैक्सीनेशंस प्रेगनेंसी में रहता है देन स्लीपिंग पैटर्न मदर का यूजुअली पांचवें महीने के बाद लेफ्ट साइड में ही न, सोना चाहिए मदर एडिकुएट स्लीप होना चाहिए दिन में दो घंटा और रात को छः आठ घंटे का नींद मिनिमम तो मदर को चाहिए एंड uh, ये सब देन uh, कभी ट्रैवल कभी कर सकते हैं प्रेगनेंसी में वो भी इंपॉर्टेंट है ट्रैवल बेस्ट मंथ्स टू ट्रैवल चौथे से आठवें महीने तक ट्रैवल पॉसिबल है तो ट्रैवल में क्या प्रिकॉशंस देखना चाहिए एंड ऑल्सो मेडिकेशंस प्रेगनेंसी में यूजली हम लोग विटामिन का मेडिसिन आयरन और कैल्शियम मेडिकेशंस uh, देते हैं तो उसके अलावा और कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसके हिसाब से मेडिकेशंस देते हैं ये सब इसमें सब प्रेगनेंसी में सपोर्टिंग uh, फैक्टर तो होना चाहिए तो एक फ़ीमेल uh, को उसको डॉक्टर्स के अलावा घर में भी इक्वल इम्पॉर्टेंस और ए, दो प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है बट ए, स्टिल वो प्रेगनेंसी सही तरह से देखभाल हो जाएंगे तो मदर भी हेल्दी हो जाता है बेबी भी हेल्दी हो जाता है तो आगे का नेशन भी हेल्दी हो जाता है बरोबर आणि आफ्टर बर्थ बेबीचा जन्म झाल्यानंतर आईची आणि बाळाची काळजी घेणं किती महत्त्वाचं आहे आणि ती कशी घेतली पाहिजे थोडक्यात सांगा ओके पोस्टनेटल केयर या आ, प्रेगनेंसी के बाद जो केयर इक्वली इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के टाइम पे जो केयर ये थे देखभाल जो इक्वली इंपॉर्टेंट है एक कंटिन्यूशन जैसा हम लोग बोल सकते हैं उसमें इंपॉर्टेंस क्या है डाइट अगेन इम्पॉर्टेंस है जो डिलीवरी के बाद मदर को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उनका जो प्रेगनेंसी से डिफरेंट कैसा है डिलीवरी के बाद खाने का कि कैलोरीज जो कंटेंट है कैलोरीज का मात्रा इंक्रीज़ होना चाहिए बिकॉज वो फीडिंग देती है स्तनपान करती है तो उसके लिए तो कैलोरी इनटेक ज़्यादा होना चाहिए पानी ज़्यादा पीना चाहिए मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेना चाहिए देन आयरन कैल्शियम मेडिकेशंस तो सिक्स मंथ्स अगेन डिलीवरी के बाद कंटिन्यू करना चाहिए एक्सरसाइज व्यायाम तो वो डिलीवरी के बाद भी कर सकते इमीडिएटली नॉर्मल डिलीवरी है तो इवन नेक्स्ट डे आफ्टर डिलीवरी मतलब डिलीवरी का अगला दिन से ही वो थोड़ा की गिल्स एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करती है कर सकते हैं यूजली फोर्टी डेज ट्रेडिशनल रेस्ट पीरियड बोलते हैं फोर्टी डेज सिक्स वीक्स जो पूरा नाइन मंथ्स बॉडी में जो भी चेंजेस आया है प्रेगनेंसी में वो नॉर्मल mm -hmm, होने के लिए फोर्टी डेज लगता mm -hmm, है mm -hmm. तो दैट इज़ वाई वो टेन फोर्टी डेज रेस्ट पीरियड ट्रेडिशनल रेस्ट पीरियड बोलते हैं तो वो टाइम पे भी देखभाल इंपॉर्टेंट है ओके okay. देन ऑल्सो दिस इज अ पीरियड ब्रेस्ट फीडिंग में ज़्यादा इम्पॉटेंस तनपान में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम लोग बोलते हैं फर्स्ट सिक्स मंथस ऑफ चाइल्ड बर्थ्स में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग तो बेबी को और कुछ रिक्वायरमेंट है ही नहीं ओनली मदर्स मिल्क इम्पोर्टेंट तो और कॉन्ट्रासेप्शन फिर एक डिलीवरी के बाद मतलब अगला डिलीवरी में कितना स्पेसिंग होना चाहिए वो भी ये सब इम्पोर्टेंट है डॉक्टर जाता जाता अपोलो हॉस्पिटलविषयी थोडक्यात सांगाल तिथे कशा पद्धतीने याची व्यवस्था असते अगदी थोडक्यात सांगाल ओके okay. अपोलो एक टर्शरी केअर सेटअप हे ट्वेंटी फोर सेवन एवेलेबिलिटी राहता आहे उधर एमर्जन्सी सर्विसेस है ब्लड बँक फुल्ली एक्युप्ड ऑपरेशन थिएटर आहे सी यू जिसमें हम लोग इवन सिक्स हंड्रेड ग्राम्स का भी बेबी uh, सभी तरह से भी सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड ग्राम्स का बेबी अच्छा हो के uh, मतलब घर गए एंड दो तीन साल के बाद भी वो आके मतलब फुली हेल्दी बेबीज ओके सो देन ऑपरेशन थिएटर इज़ आल्सो फुली एक्यूब फिर आईसीयू सेटअप जो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी हम mm -hmm. लोग बात किया mm -hmm. तो उसके लिए तो आई सेटअप इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड ओके तुम्ही दन्यवाद। दन्यवाद। या ठिकाणी आला खूप चांगलं मार्गदर्शन केलं त्यासाठी तुमचे मनापासून धन्यवाद धन्यवाद थँक्यू तर आपल्यासोबत होत्या डॉक्टर बिंदू केस त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने मार्गदर्शन केलं प्रेग्नेन्सीच्या आधी आणि प्रेग्नेन्सी नंतर आपण कशी काळजी घेतली पाहिजे याविषयी खूप चांगलं मार्गदर्शन केलं आय होप तुम्हाला याचा नक्की फायदा होईल कार्यक्रमात आता वेळ झाली आहे इतिहास थांबण्याची ताज्या बातम्यांकरिता पाहत रहा सी चोवीस तास